वैवाहिक जीवन में बेडरूम के सर्वाधिक मायने होते हैं। यहाँ आकर पति और पत्नी साथ में वक्त बिताकर एक दूसरे को संपूर्णता का एहसास कराते हैं। बात जब हो नवविवाहित जोड़े की तो उनके कमरे में कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। भूलकर भी इन 8 वस्तुओं को उनके कमरे में बिल्कुल ना रखें। आपको बता दें, पति पत्नी विशेषता नवविवाहित दंपत्ति के कमरे में दर्पण का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होता है, अतः इसका इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शादी के शुरुआती दिनों में कमरे में टीवी भूलकर भी ना लगाएं। इससे पति और पत्नी एक दूसरे पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और दोनों के बीच अलगाव पैदा हो सकता है। विवाहित लोगों के कमरे में कंप्यूटर ना रखा जाए तो अच्छा है, वरना रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। यदि कमरे में ड्रेसिंग टेबल रखने की आवश्यकता है तो उसे उत्तर या पूर्वी दीवार पर इस प्रकार रखें कि सोते समय अपना प्रतिबिंब या शरीर का कोई हिस्सा उसमें ना दिखाई दे। विवाहित लोगों के कमरे में घर के बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से उनकी शादीशुदा जिंदगी नीरस और उदास हो सकती है। नवयुगलों के कमरे में गलती से भी किसी प्रकार के हिंसात्मक या फिर किसी युद्ध के दृश्य वाले चित्र नहीं लगाए जाने चाहिए। इससे लड़ाई झगड़े की आशंका बढ़ जाती है। शादीशुदा जोड़ों के कमरे में कभी हिंसक पशुओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसके स्थान पर किसी खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे की फोटो लगानी चाहिए। बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र भूलकर भी ना लगाएं। पति पत्नी यदि अपनी शादी या फिर हनीमून की कोई खूबसूरत सी फोटो अपने बेडरूम में लगाएं तो दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। Oh.